टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का दौर भी चल रहा है और दौर के साथ साथ मंथन भी चल रहा है। और मंथन भी ऐसा कि अब सुनने में आ रहा है कि अखिलेश यादव, जो कि सपा के प्रमुख है और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश के 10 जिलों का दौरा भी करेंगे हर महीने और वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और जनता से ज़मीनी हकीकत पर बात भी करेंगे। यानी अब धरातल पर उतरने का पूरा पूरा मूड बना चुकी समाजवादी पार्टी। तो वहीं शिवपाल सिंह यादव आज प्रयागराज में थे, उन्होंने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इरफान सोलंकी को यहाँ पर परेशान किया जा रहा है जानबूझकर, जैसा कि परेशान पहले कई लोगों किया गया वैसा ही यहाँ पर जानबूझकर उनके विधायक इरफान सोलंकी को परेशान किया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आगामी चुनाव में हम पूरी मजबूती से उतरेंगे और ये भी कहा कि अगर उनको कोई पद मिले अथवा ना मिले वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। बहुत बड़ा बयान शिवपाल सिंह यादव का आया है। खैर, इसके पहले भी जुड़ाव कई बार हुआ और जुड़ाव के बाद, चुनाव के बाद जो मतभेद हुए वो जग जाहिर है, क्योंकि मतभेद अगर घर के होते हैं तो वो आम जनता के सामने नहीं आते हैं और ना ही उन पर राजनीतिक बयानबाजी होती है। पर जब मतभेद आम जनता के सामने आ जाए और जब उन पर राजनीतिक बयानबाजी होने लगे तो मतभेद शायद घर के नहीं होते, फिर मतभेद आम जनता के बीच हो जाते हैं। और शायद इन मतभेदों को भुला कर यहाँ पर एक प्रकार से जो जुड़ाव हुआ है वो काबिले तारीफ है और फिलहाल ये जुड़ाव अन्य दलों के लिए यहाँ पर एक समस्या बनता जा रहा है। हालांकि अभी हाल में ही मैनपुरी का चुनाव हुआ, वहाँ पर जीत हासिल करके समाजवादी पार्टी दिखा दिया कि जो उपचुनाव था वो उनकी परंपरागत सीट पर था जहाँ पर उनके पुरोधा और पूर्व रक्षा मंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव की सीट खाली होने पर हुआ था। उनकी बहू डिंपल यादव ने यहाँ जीत दर्ज की, बड़ी जीत दर्ज की। और जीत के मायने ये है कि शिवपाल सिंह यादव ने वहाँ खुलकर प्रचार किया और इतना बड़ा जो आंकड़ा वोट बैंक का उनकी तरफ गया वो स्पष्ट बताता है कि अभी भी काफी लड़ाई लड़नी बाकी है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है, जिस तरह से सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर कभी खुलकर बात करते हैं, कभी बोलते हैं मेरे विकल्प खुले हुए हैं, कभी बोलते हैं कि अगर शिवपाल पहल करेंगे तो अखिलेश यादव से बातचीत हो सकती है, तो यहाँ पर कभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात कर वहाँ पर भी अपनी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको तलाशते नजर आते हैं और साथ ही साथ इरफान सोलंकी पर भी बयान देते रहते हैं। ब्रजेश पाठक ने बयान दिया कि समाजवादी पार्टी गुंडों को बचाने वाली पार्टी है और गुंडों को बचाने पर यहाँ पर अखिलेश यादव गए हैं। खैर, अब मंथन क्या होगा और शिवपाल सिंह यादव आगामी स्थिति में आने वाले चुनाव में किस तरह से समाजवादी पार्टी का आधार बनेंगे और वो आजीवन रहने का उन्होंने यहाँ पर संकल्प लिया है, उनको पद मिले या ना मिले ये बड़ी यहाँ पर बात है। और फिलहाल वो रहेंगे कि फिर मतभेद होंगे या समाजवादी पार्टी यहाँ पर एक मजबूत कड़ी के रूप में सामने नजर आएगी वो वक्त बताएगा। फिलहाल कुछ बयान सुनते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भ्रष्टाचार के किस प्रकार के उदाहरण रिवर फ्रंट से लेकर के और तमाम सिंचाई के घोटाले किस तरह से हुए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और इसीलिए अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 2017 में भी मैंडेट दिया और 2022 में भी तमाम रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए 37 वर्षों के बाद योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और अपराध पर आज जीरो टॉलरेंस का काम कर रही है और इसीलिए उन भ्रष्टाचारियों की दल में आज खलबली मची हुई है जो आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, उनके कई विधायक रहे, कई मंत्री रहे, आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। एक-एक करके तमाम लोगों का नंबर आ रहा है। शिवपाल सिंह यादव पर भी गंभीर आरोप हैं, उनकी भी जांच चल रही है, सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब क्रेडिबल एविडेंस मिलेंगे तो वो भी जेल की सलाखों के पीछे देखेंगे। समय हमारी पार्टी में बहुत मजबूती आ चुकी है और आपको खुद भी दिख रहा होगा, इसमें चाचा जी अलग संभाले हैं और हमारे अखिलेश भैया अलग संभाले हैं, बाकी के जो कुछ लोग और हैं जो अभी आने बाकी हैं उनका भी टाइम आ रहा है, वो भी सब आ जाएंगे। हम सारा परिवार एक होंगे और हम लोग सब मिलकर अकिल जो है बहुत अच्छा हम लोग खेला खेलेंगे और आने वाला समय हमारा फिर से उसी तरीके हरा भरा होने वाला है और हमें किसी चीज़, और जनता पूरी तरीके से जाग चुकी है और जाग कर
उसके बाद अब जवाब देने का काम करेगी, क्योंकि महंगाई और सब चीजों से इतना परेशान हो चुकी है हमारी जनता कि एक एक पैसे से लोग रो रहे हैं, किसी के पास कुछ नहीं है। ऐसी हालत हो चुकी है लोगों की, लोग ठेला नहीं लगा पा रहे हैं, रस्ते में कुछ बेच नहीं पा रहे हैं, ऐसी हालत हो गई है, नगर निगम किसी को जीने नहीं दे रही है। तो इसलिए जो है अब किन लोगों ने मन बना लिया है कि जिस तरीके उन्होंने पहले सोचा था बदलाव के लिए, इस बार भी उन्होंने बदलाव की पूरी तैयारी कर ली है। अब होगा कि नहीं होगा या परंपरा चलती रहेगी जीत की बीजेपी की, वो महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपसे रूबरू करा दूं। विवेक श्रीवास्तव भाई भारतीय जनता पार्टी में पक्ष रखेंगे, पवन श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में पक्ष रखेंगे, वर्चस्व पांडे भाई प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा के रूप में रविंद्र प्रताप जी अपना पक्ष रखेंगे और सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला जो सवाल रहेगा वो प्रवक्ता सपा से रहेगा। रविंद्र भाई मंथन हो रहा है, अखिलेश यादव बिल्कुल धरातली संघर्ष पर नजर उतर आए हैं बिल्कुल, और शिवपाल सिंह यादव भी बयान दिए बड़ा कि अब वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे, चाहे उनको कोई पद मिले चाहे ना मिले। खैर इस तरह के पहले भी तमाम तरह के वादे उन्होंने किए हैं, पर अब स्थिति शायद बड़ी मजबूत नजर आ रही है, कैसे देखते हैं जी? देखिए आज दो घटनाएं घटित हुई हैं प्रमुख, आपने बता ही दिया उसको। एक तो हमारे प्रदेश कार्यालय में माननीय अध्यक्ष जी ने बैठक किया है, भाई मंथन किया, भाई उनका मंथन किया जी। माननीय जी मंथन ही हमने बताया, निकाय चुनाव के संबंध में ही मंथन किया जी जी भाई। दूसरा माननीय शिवपाल यादव जी ने प्रयागराज में एक पत्रकार वार्ता किया है जी, जिसके तीन बिंदु बहुत प्रमुख हैं, उनको मैं बताता हूँ जी। उन्होंने पहले कहा कि मुझे कोई पद की लालसा नहीं है। अच्छा। दूसरा उन्होंने कहा है संघर्षों के बल पर हम बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा। तीसरा कहा है कि हम समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे जी। इससे पूरे प्रदेश के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। अच्छा। दूसरा विषय है, इससे पहले आज जो बैठकें हुई हैं, इससे पहले ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हर जिले स्तर पर चुनाव संचालन समितियां बना दी हुई हैं, और उनको पूरा अधिकार दे दिया गया है कि जब भी चुनाव की घोषणा हो जाएगी वो अपने स्तर पर ही योग्य उम्मीदवार को टिकट दे देंगी। अगर वो निश्चित नहीं कर पाएगी तब ही हमारा प्रदेश कार्यालय उसमें हस्तक्षेप करेगा। अच्छा। तो हम कमर कस चुके हैं, और बीजेपी की महंगाई, बेरोजगारी, नाइंसाफी, पुलिस के संरक्षण में हत्याएं, अच्छा, छोटे व्यापारियों को मिटाने के लिए छापे, अच्छा, जबरदस्ती की जीएसटी, इतने अच्छा। बड़े मुद्दे हैं बन गए हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है। पिछली बार हम कम परसेंटेज वोट पाए थे तब भी हमने भारी जीत अर्जित किया था। अच्छा, अच्छा। तो इस बार तो बीजेपी के पाप का घड़ा इतना भर चुका है अच्छा। कि शायद इनको अपनी जीत के लाले पड़ेंगे। अच्छा, जो आपने बताया मुद्दे गिनाए, इनके लिए सड़कों पर उतरेंगे केवल डिबेट में बोलते रहेंगे? मैं गौरव बहुत बार आपको बता चुका हूँ जी कि हम बीजेपी वाली पार्टी नहीं है जी, जो सड़कों पे उतरने के लिए मीडिया मैनेजमेंट करते हैं या विदेश से कंपनियां बुला के मीडिया पे क्यों दोष लगाते हैं? इवेंट मैनेजमेंट करते हैं भाई, जमीन भाई ये बात गलत है। आप लोग मीडिया पे क्यों आरोप लगाते हो? उतरते आप नहीं है, आरोप मीडिया पे लगा लेते। अरे उतरिए, हम तो कवर करने बैठे है ना, आपको उतरिए तो जी। चलिए मैं इसी क्रम में आगे बढ़ जाऊं जी। हम सतत प्रयत्न करते रहते हैं, और प्रत्येक दिन ऐसा जाता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पीड़ितों के यहाँ जाते हैं, पीड़ितों से मिलते हैं। अभी आपने देखा होगा, जानकारी है, कल की जानकारी है मेरे पास, कानपुर देहात में रनिया थाना के अंतर्गत पुलिस ने मार डाला जी एक व्यापारी को। ठाकुरों का शासन बोला जाता है जी। हमारे दिवंगत बलवंत भाई भी ठाकुर थे। अच्छा। पुलिस ने उनको पीट पीट के मार डाला। उनके श्रीमती जी का बयान सुनिएगा। सुनाओ जी, सुनाओ। तो मुझे लगता है कि आंख से आंसू निकल आएंगे। बिल्कुल। तो गया कौन वहां पर? अच्छा। अगर किसी ने जाना था तो गया कौन? तो जाकर क्या हुआ? यादव जी गए वहां पे। अच्छा, नहीं गए थे, मैंने देखा, मुलाकात भी की जी। बिल्कुल देखा है, मुलाकात भी किया है, हमने सीबीआई की जांच की मांग की है, एक अच्छा। करोड़ रुपए की मांग किया है उनके अच्छा। परिवार के लिए और उनकी श्रीमती जी के लिए खाना पूर्ति होगी, ठीक है। सरकारी नौकरी में आरक्षण का मांग किया है, देना ही पड़ेगा। अच्छा,
और हमारा इतिहास रहा है कि हम इवेंट मैनेजमेंट करके जी चुनाव प्रचार नहीं करते हैं कि सड़क में आते हैं, अखबार में छपवा देते हैं जनता का 1,000 करोड़ रुपए लगा के। अच्छा हम सतत लोगों के बीच में रहते ठीक हैं। ठीक ठीक और ठीक अगर आप पिछले पिछले 4 महीने से देखिएगा तो जितने भी जेल में बंद हैं हमारे पदाधिकारी, वहां पर माननीय अखिलेश यादव जी जाते हैं अच्छा या अपनी एक टीम भेजते अच्छा हैं, परिवार से अच्छा मिलने के लिए भैया भी जाते हैं। रमन जी, सुभाषपा प्रमुख बोले हैं कि जो अखिलेश यादव बरेली नहीं गए थे, वहां पर उनकी बिल्डिंग गिरा दी गई थी वहां के विधायक की, और 27 महीने आजम खान से मिलने नहीं गए, इरफान सोलंकी से मिलने 2 हफ्ते बाद ही चले गए। ऐसा क्या लगा वहां पर हुआ? आजम खान से मिलने लेंगे, क्या नाराजगी रही भाई आजम खान से? सबसे पहली बात है कि हमारी समाजवादी पार्टी हमारी अपनी पार्टी है। हाँ। ये सुभाषपा नहीं है। अच्छा। वो अपनी उनकी अपनी पार्टी में क्या हो रहा है उनको वो बोलना चाहिए। जो तो मुझे लगता है कि मैं उनके ऊपर इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, खाली इतना कह के इस बात को खत्म करूंगा कि उनकी पार्टी में क्या हो रहा है वो इस बात को बोले। गंभीर गंभीर आरोप उन लोगों ने लगाए हैं, उनके पदाधिकारियों ने लगाए हैं और पार्टी को छोड़ भी दिया है। अच्छा तो ऐसे ऐसे व्यक्ति का जवाब देके महत्वपूर्ण बनाना ही उचित नहीं होगा। ठीक है ठीक है, आवश्यक नहीं है कि हम सुभाषपा के आदमी के बयान पे हम कोई अपनी प्रतिक्रिया दें। ठीक है विवेक भाई जी, भाई क्या भाई आप लोग करते हैं यहाँ पर, दिक्कत दे रहे हैं, अगर मिलने जाते हैं तो आपको तकलीफ है, समस्या इतनी बार फैलाए हुए हैं, और अगर वो मंथन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या दिक्कत है भाई? आप लोग बेरोजगारी ला रहे हैं, तमाम तरह के उन्होंने आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, मंथन हो रहा है, यहाँ जुड़ाव हो गया है, चाचा जी ने कहा है कि वो आजीवन सपा में रहेंगे, पद मिले अथवा ना मिले। जी देखिए गौरव जी, चाचा जी समाजवादी पार्टी से बाहर गए थे। हाँ। हम तो ले नहीं गए थे। अच्छा खुद ही गए थे, पद नहीं मिला, उचित समायोजन नहीं हुआ, उचित समाज सम्मान नहीं मिला, चले गए। क्या बात हुई, क्या शर्तें रही, क्या डील हुई, कैसे वापस आ गए, ये चचा जाने, अच्छा भतीजा जाने। आपको दर्द नहीं है क्या? ना उनके जाने का दर्द, ना आने की खुशी। अच्छा हम दोनों से परे हैं। आने खुशी समझ में नहीं, आप भाजपा में थे क्या? नहीं बता तो रहे हैं। अच्छा। ना उनके जाने का हमें कोई दर्द था। अच्छा ना उनके आने की हमें कोई खुशी है, ना हमारा समाजवादी पार्टी के अंतरकला से कोई लेना लादना है। अच्छा सारे बयान चाचा खुद देते थे, चाचा भतीजे का झगड़ा लखनऊ के मंचों पे देखा गया, समर्थकों के झगड़े विक्रमादित्य मार्ग पे देखे गए, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी या हमारे अनुसांगिक संगठनों के कार्यकर्ता तो नहीं थे कि आप अच्छा। कह सके साहब ये भाजपा वाले कर करा रहे हैं। जो भी थे वो समाजवादी पार्टी के कुछ मुलायम सिंह जी के समर्थक, अखिलेश जी के समर्थक, कुछ शिवपाल जी के समर्थक, अच्छा यही लोग थे। ये समाजवादी पार्टी का अपना खुद का व्यक्तिगत चरित्र है सिर्फ टहुगल का, इनका चरित्र नहीं मुबारक। रही बात जो इरफान सोलंकी प्रकरण पे है, इस प्रकरण पे इरफान सोलंकी जेल गए हैं, 6-6 बांग्लादेशियों को ये जानते हुए उनके प्रमाण पत्र बनाना और उनको भारतीय नागरिकता दिलाने में लिप्त होना, उनको आधार बनवा दिया, पासपोर्ट बनवा दिया, और जब वो जांच में पकड़े जा रहे, 5 पकड़े गए, 1 फरार है, उस क्रम में इरफान सोलंकी गए हैं। ये समाजवादी पार्टी के इस टाइप के विधायकों का कोई नया सगल नहीं है। अच्छा यही काम इलाहाबाद में अतीक अहमद भी करते, तो उसने पूरी एक बांग्लादेशियों की बस्ती बसा दी थी। अच्छा मैं खुद उसके खिलाफ संघर्ष क्यों, मैं इनके इस हरकतों से, इस तजुर्बे से व्यक्तिगत रूप से वाकिफ। अच्छा। ये लोग इसी तरह की बस्तियां बसा के उसको अपने वोट बैंक के रूप में डील करते हैं, और ये इस बात की गारंटी होते हैं कि ये इन्हीं को वोट देंगे, इससे इनका वोट प्रतिशत ठीक रहेगा। अच्छा ये इस तरह की हरकतें करते हैं, उसमें इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी का कोई नया चेहरा नहीं है। अगर इनके और लोगों के नाम खंगाले जाएंगे जो वर्ग संप्रदाय विशेष के लोग हैं, तो सबके यहाँ कुछ इस तरह की बस्तियां निकल के आएंगी। अच्छा मैं तो इस पे अभी और सरकार को लिखने वाला हूँ। अच्छा। जहाँ जहाँ इनके संप्रदाय विशेष के विधायक हैं और लगातार जीत तैयार है, वहाँ वहाँ खंगाला जाए, लगाया जाए नाइए को, तो वहाँ वहाँ ऐसी संप्रदाय विशेष नहीं आ पाए। क्या कहना चाहते हैं? जिस संप्रदाय से इरफान सोलंकी आते, जिस संप्रदाय से अतीक अहमद आते हैं, अच्छा, ये सब वही तरह के लोग हैं जो ये एक जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से एक इनका जो ये चल रहा है साजिश की, किस तरीके से हम भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, अच्छा, इतने सन के अंदर उसमें लव जिहाद और तमाम सारे जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट ये एक्शन यूज कर रहे हैं, ये उसी क्रम में ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुनौती नहीं मिलेगी। यहाँ पर चाचा ने कहा कि आजीवन सपा में रहेंगे और कोई पद मिले ना मिले, अच्छा स्टैंड है उनका, ये उनका अपना व्यक्तिगत स्टैंड है। हाँ।
मिले ना मिले, हो सकता है अंदर खाने ना मिलने की उम्मीद हो, इसलिए अपने लिए एक फेस सेविंग कमेंट दे रहे हूँ। अच्छा। कल नहीं मिले तो हम क्या करेंगे? अच्छा, अच्छा। सबसे कम भूल करके शहीदों की लिस्ट में नाम तो लिखवा लें। अच्छा। उनके अंदर खाने की बात, उससे हमारा कोई लेना लादना नहीं है, उसकी अच्छी व्याख्या रविंद्र जी करेंगे। अच्छा। देने वाले हैं कि उनको नहीं देने वाले हैं, किसके क्या उनका समायोजन होगा, उस पर बात करने के लिए अतकित है। भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने डबल इंजन की ताकत पे, अपने सरकारों के काम पे, अपने गुड डिलीवरी पे, जनता के अंतिम पायदान पे खड़े आदमी को किस तरह से शासन में सहभागिता सुनिश्चित किया जाए, उसके तक योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इस चिंता में लगी रहती है। हमारी चिंता ये नहीं कि शिवपाल जी कब गए, शिवपाल जी कब आए, अखिलेश जी घर से निकल रहे कि नहीं निकल रहे, ट्विटर पे कि कंप्यूटर पे कि मोबाइल पे, इनको मुबारक हो। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच रहने वाली पार्टी है, हमें इन चीज़ों से कोई लेना लादना नहीं, हम अपने काम पे विश्वास करते हैं और काम हमारी सरकारें कर रही है और सरकार बहुत अपनी स्पीड से चल रही है। अभी आप देखिएगा इन्वेस्टर समिट होने दीजिए, पूरे दुनिया के उद्योगपति यहाँ करके इन्वेस्ट करने इन्वेस्टर समिट पर तकी भाई हंसने लगे हैं और अमन भाई भी हंसने लगे, ब्रदर्स भाई भी हंसने लगे। ठीक है, हंस रहे हैं, उनको सकता खुशी हो रही हो कि हाँ भाई ठीक है, उन्हें भी कुछ रोजगार मिल जाएगा, बेरोजगार घूम रहे हैं। अच्छा, कौन बेरोजगार घूम रहा भाई? तकी भाई घूम रहे बेरोजगार, क्या पूरा देश बेरोजगार घूम रहा है जी? ब्रदर्स भाई बताइए, बोलिए भाई। ब्रदर्स जी बोलिए भाई, यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर एक मंथन चल रहा है भाई, आपके ये मंथन चल रहा होगा मेरे ख्याल से, और बजरल खाबरी के आने पर कुछ स्थिति बदली है और लगातार अब कहा जा रहा है प्रारसिक जो है आपकी भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, 26 जनवरी से भारत छोड़ो अभियान, भारत से हाथ जोड़ो अभियान भी चलने वाला है जिसको स्वयं प्रियंका गांधी वाड्रा इसको नेतृत्व करेंगी। खैर, पर यहाँ पर जिस तरह से मंथन की बात चल रही है, कांग्रेस की क्या स्थिति है और सपा और जो प्रसपा का विलय हुआ हाल में, इस विलय को कैसे देखते हैं और शिवपाल सिंह यादव के बयान पे क्या बोलेंगे जी? अब पहले मैं सपा प्रसपा के विलय के ऊपर बोलना चाहूंगा कि जो सपा प्रसपा का विलय है ये समाजवादी पार्टी को एक तरीके से मजबूत करेगा। अच्छा। और जो मुलायम सिंह यादव जी के जाने पर एक अभिभावक की कमी समाजवादी पार्टी को लग रही थी, क्योंकि राम गोपाल जी भले उनके साथ थे पर जो रणनीतिकार के रूप में शिवपाल यादव जी को देखा जाता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव जी के दाहिने हाथ के रूप में काम किया शिवपाल जी ने, और उनको पता है कि संगठन को किस तरीके से चलाना है, उसका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपकी पार्टी में एक अभिभावक आया है, स्वागत करिए और सम्मान दीजिए जिससे आपकी पार्टी मजबूत रह सके। दूसरी बात, हमारी पार्टी आने वाले नगर निकाय चुनावों में जिस प्रकार से जो हमारा सबसे बड़ा एक फंडा ये इस बार चल रहा है कि हम हर नगर निकाय चुनाव के जो भी नगर पंचायत की सीटें हों या नगर पालिका हो या फिर महानगर हो, वहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे, और हर नगर का अपना अलग मैनिफेस्टो होगा। अच्छा। जिसमें सड़क की, नाली की, रोजगार की, हाँ, हर हर जगह का अपना, तैयारी पूरी है, हर नगर निगम का अपना अलग अलग मैनिफेस्टो बना है जिसकी मैनिफेस्टो टीम हम लोगों के द्वारा गठित कर दी गई है। वहाँ के जो हमारे लोकल बॉडी है, जैसे कि नगर निकाय में नगर पंचायत की जो टीम है, जो वहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं हमारी पार्टी के, उनके द्वारा मिलकर के हर एक एक वार्ड की, हर वार्ड वाइज पहले हमारा एक तरीके से मैनिफेस्टो बन रहा है, फिर उन सभी वार्डों से मिला करके जो एक पूरे नगर के विकास में काम हो सकता है उसके ऊपर भी मैनिफेस्टो का काम चला, जिससे हम लोग आने वाले 5 सालों में नगर पंचायत में क्या काम करेंगे उसको हम बताएंगे, और हम लोग की नगर पंचायत और नगर निकाय के माध्यम से रोजगार को सेंट्रलाइज करके लोगों तक पहुँचाने का भी प्रयास है कि नगर पंचायतों के माध्यम से भी रोजगार किस तरीके से पहुँचाया जा सके। अच्छा जी, ठीक है। ताकि भाई बहुत मुस्कुरा रहे थे, इन्वेस्टर समिट की जहाँ बात आई विवेक भाई ने कही तो आपको चेहरे पे मुस्कान आ गई। भैया निवेश आ रहा है, प्रदेश के मंत्री गए, अधिकारी गए हैं और निवेश ला रहे हैं, तो आपको तकलीफ क्या है भाई? क्यों मुस्कुराए भाई? मुस्कुराहट पीछे राज क्या है? और जो अभी हाल का एक घटनाक्रम है, इरफान सोलंकी वाला मामला है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन्वेस्टमेंट समिट कर रही है, कोई नई बात नहीं, इससे पहले भी कर चुके हैं। मोदी जी ने विदेशियों की बहुत सारी यात्राएं की, हजारों करोड़ भारत में यात्राओं से समिट में क्या अंतर भाई? ये कौन सी बात हुई आप यात्राएं? देखिए दोनों का देख, आप ये आवाज इको कर रही, थोड़ी आवाज कम कराइए। मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट हो या विदेशी यात्राएं हो, सबका मकसद तो विदेशी से पैसा लाना है। और हमने देखा पिछले कई सालों से लगातार जो इस तरह की कवायद चल रही, उसके बाद प्रदेश में कितना भला हुआ। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के व्यापारियों का भला कर नहीं पा रही, उनका ख्याल रख नहीं पा रही है,
जीएसटी को लेके व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, व्यापारी अपने शटर बंद करके अपनी दुकानें बंद करके भाग रहे हैं, हर जिले का यही सीन देखने में आ रहा है, और जीएसटी क्यों भाग रहे हैं अपने प्रदेश के व्यापारियों को पकड़ लिया जा रहा है, अगर गड़बड़ नहीं वसूला जा रहा है जी भैया गलत, अगर किसी व्यापारी ने अपना सामान नहीं बेचा है ठीक से, उसने बिजनेस किया उससे पहले आप जीएसटी वसूल कर रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, जीएसटी को लेकर लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहे हैं, सही से बात नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। तो जब आप अपने ही लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, अपने लोगों को जो बिजनेस हाउसेस हैं आपके उत्तर प्रदेश के अंदर उनका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो विदेशों से बिजनेस मांगने से, विदेशों में जाके भीख मांगने से क्या फायदा? अरे भीख क्यों मांग रहे हैं? अपने अपने उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली सही करिए, अपने उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सही करिए, अपने उत्तर प्रदेश की सड़कें ठीक करिए, अपने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक करिए, अपने उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के लिए सिंगल टैक्स के लिए विंडो खोलिए, उनके परेशानियों को दूर करिए, इंस्पेक्टर राज को कम करिए, उनको परिणत करिए, उसके बाद आप बाहर जाइए, आप अपने लोगों का सम्मान नहीं कर पा रहे, अपने लोगों को परेशान कर रहे हैं, व्यापारी परेशान है, उत्पीड़ित हो रहा है, उनको लगातार खबरें आ रही है। अच्छा। व्यापारियों ने विरोध किया, इसका पेपरों में निकली खबरें, ये मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, आप पेपर उठाइए, अमर उजाला में निकली है। अच्छा। बहुत सारे पेपरों में खबरें निकली है कि लगातार जीएसटी के नाम पे उद्योगपतियों का व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, लोग परेशान है, तो बीजेपी पहले उसका समाधान निकले जो सामने दिख रहा है, जो किया जा सकता है, जो योगी जी कर सकते हैं, और विदेश जाके वहां से बिजनेस लेके आना, इन्वेस्टमेंट सबमिट करना, पिछले इन्वेस्टमेंट सबमिट हुई तो उसका क्या हुआ? अच्छा। एक कंपनी कोरियन कंपनी, इसका टोटल टर्न अराउंड 16 करोड़ 17 करोड़ के आसपास था, उससे हजारों करोड़ के एमयू साइन करा लिए गए, और जो एमयू साइन किया गया वो क्या हुआ उसका, आप चलिए मेरे साथ दिखाइए कहां इन्वेस्टमेंट सबमिट के बाद कहां इंडस्ट्री लग रही है, कहां लोगों को रोजगार मिल रहा है, अगर इतनी इन्वेस्टमेंट सबमिट कर गई, 3-4 इन्वेस्टमेंट सबमिट हो चुकी है, क्रीज यात्रा हो रही है, अगर इतना बिजनेस आ रहा है, तो ये भारत के पूरे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के लोग क्यों जा जाके बिजनेस कर रहे हैं? अच्छा। क्यों मजदूरी कर रहे हैं? अच्छा। भारत के लोग जो है बम्बई में मजदूरी कर रहे हैं, भारत के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग नहीं है यहाँ पर। तकी भाई, यहाँ पर एफआर सोलंकी जो मामला है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र बन चुका है कि जब भी वो सत्ता में आती है हर व्यक्ति को हर विपक्ष को परेशान करने में लग जाती है, जो उसके पक्ष में नहीं होता। आम आदमी पार्टी को परेशान किया, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कितना परेशान किया, देखा आपने सत्येंद्र जैन को झूठा आरोप लगा के उनको जेल में डाल दिया, जबकि उनको मामला नहीं है, आबकारी नीति लेकर घोटाला ही नहीं है। आपने मनीष सिसोदिया को परेशान किया, आप न्यायालय के ऊपर आरोप लगाना उचित नहीं है, वीडियो वायरल हुआ है, मैं न्यायालय पे आरोप कहां लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं जनता पार्टी ने जिस तरह से गलत झूठे केस लगाए किए हैं। अच्छा, आपका कहना यह है कि आपका कहना है इरफान सोलंकी निर्दोष है, उन्होंने किसी बांग्लादेशी का कार्ड नहीं बनवाए? नहीं, मैं इरफान सोलंकी को निर्दोष साबित करने वाला कौन होता हूँ जी? मैं तो आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के लीडर्स को, अभी आपने कहा लोगों को सताने काम कर रही है, तो लगातार देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर संस्था का इस्तेमाल करके लगातार प्रचारित कर रही है। अच्छा। जितने भी ईडी के मामले उठाए उसमें कितने बीजेपी के लोग हैं? अच्छा। क्या बीजेपी भ्रष्टाचार नहीं, बीजेपी के एमएलए ने जो खटिक साहब ने इनको आरोप लगाया, दिनेश खटिक ने। अच्छा। कि ट्रांसफर को लेकर बहुत घोटाला हो रहा है बीजेपी सरकार में, क्यों ईडी ने जांच नहीं की इसके ऊपर, क्यों सीबीआई की जांच नहीं की इसके ऊपर, जल जीवन निगम में लेकर घोटाला उस पर जांच क्यों नहीं करी? ठीक है, ठीक है। पवन भाई, गुजरात जहरीली शराब पीने से 100 लोग मर गए, उसके बाद जांच क्यों नहीं हुई जी? आप बिहार की खबरें चल रही है, पूरे मीडिया में उछाली जा रही है, लेकिन गुजरात के अंदर जहां शराब बंदी है, बोले तो है कि हम मुआवजा नहीं देंगे, जिसको पीना पिए। नहीं, मंत्री तो बयान दे रहे, तो मैं कह रहा हूँ गुजरात को ईडी सीबीआई क्यों नहीं गई जांच करने के लिए, कौन से लोग इन्वॉल्व थे जहरीली शराब में, जब गुजरात एक ड्राई स्टेट है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। पवन जी भाई, यहाँ पर आपका दृष्टिकोण क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मामला कई है, मंथन भी है, जुड़ाव भी है, आजीवन साथ रहने की प्रतिज्ञा भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर इरफान सोलंकी वाला मामला भी है, कैसे देखते हैं पूरे मामले? गौरव जी, बहुत दुख हुआ मुझे जी, अभी हम अपने भाई सैयद मोहम्मद तकी साहब को सुन रहे थे। ऐसे लोग ही हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं। अच्छा। बहुत दुख हुआ। अच्छा। इरफान सोलंकी क्या है ये न्यायालय तय करेगा, इनके मंत्री जी जेल में है, न्यायालय के ऊपर तो उन्हें नहीं उठाना उचित है। हम अगर न्यायालय के ऊपर भी भरोसा करना छोड़ देंगे, झूठे जेल में डाल दिए, अरे सब वीडियोस वायरल हुए हैं। अच्छा। मसाज करा रहे हैं। अच्छा। सुनिए, बता रहे हैं अभी अभी ये वही आम आदमी पार्टी है। देखिये, हम पार्टी के खिलाफ नहीं है, विचारों के खिलाफ है, हम विचारों, आप सुन लीजिए, तकी साहब बोल लीजिएगा, तकी साहब बोलिएगा, बोलिएगा, आप बोलने लीजिए। ये वही लोग हैं, अभी इनके ऊपर आरोप लगा है 60 करोड़ रुपए का, अभी लगा है। अच्छा। सुकेश चंद्रशेखर ने लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने 60 करोड़ रुपए ले लिए,
सुकेश चंद्रशेखर आ रहे हैं, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? 60 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी ने ले लिया। सुनिएगा ये नहीं, लेकिन देखिए तकी साहब थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा। अपने विचार जो है हमेशा राष्ट्र के हित में होना चाहिए। अगर आपके ऊपर उंगली उठ रही है बार बार, आपसे आम आदमी पार्टी एक किससे सीखने की आवश्यकता है? किससे सीखने की आवश्यकता है आपको? आप किससे सीखने की आवश्यकता है? आप क्या सीख एकदम से सब चाणक हो चुके हैं? एक चाणक अहंकार होता है, ध्यान में रखिएगा। आप सीखिए, हम जीवन भर सीखते आए हैं, हम सिखाने के लिए नहीं योग हैं, लेकिन हम एक जानकारी बता रहे हैं कि आपको अपनी भाषा का मर्यादा किसके खिलाफ बोलना है। आप इरफान सोलंकी को बता रहे हैं कि उसको फंसाया जा रहा है, गलत किया जा रहा है, कैसे आप कह देंगे भाई? वो उसने इरफान सोलंकी पूरे परिवार का दो दो पासपोर्ट तैयार कराया, कैसे आप कह देंगे वो गलत आदमी नहीं है भाई? मैंने कब कहा गलत नहीं? मैंने कहा गलत नहीं हो? आपने अभी गौरव जी से कहा है, आपने एंकर सर से बिल्कुल नहीं कहा, आप दिखाइए रिकॉर्ड करके, मैंने कहा है बिल्कुल रिकॉर्ड है, सुना देंगे। आपने कहा बीजेपी फंसाती है सबको, फंसाने का मतलब क्या है? बीजेपी कानूनी संस्थाओं का गलत दुरुपयोग करके बीजेपी ने आपके लोगों को मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी ने किया जो कुछ किया, जांच हुआ, आपको लग रहा अगर जांच बीजेपी ने किया कुछ बिगाड़ पाए आपके उस मंत्री का? आप गलत नहीं थे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप गलत हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी ना, लेकिन वो राजनीतिक हो गई। लेकिन जहां देश और राष्ट्र है वहां देश राष्ट्र सर्वप्रथम होना चाहिए, वो कुछ भी हो गलत नहीं होना चाहिए। गौरव जी, ये सभी बीजेपी के एमएलए दिनेश खट्टक ने इतने संगीन आरोप लगाए, क्या कार्रवाई उसके ऊपर? कौन सा आरोप लगाया? क्या कुछ सीबीआई जांच हुई, सीडी हुई कुछ? दिनेश खट्टक ने आरोप लगाए थे। अरे कौन सा आरोप बताइए ना, ट्रांसफर को लेकर भ्रष्टाचार चल रहा है। अरे कहां ट्रांसफर हो, सुनिए कहां ट्रांसफर हो, रिश्वत की बात कर रहे हैं, कहां देशद्रोह की तुलना कर रहे हैं? वो सब जांच चलेंगे, सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई सबके ऊपर होना चाहिए, भले भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, लेकिन देश सर्वप्रथम होना चाहिए, ये सभी प्रवक्ताओं के लिए होना चाहिए, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई मतलब नहीं है। अच्छा ठीक है, अब रही आज की मुद्दे की बात जी, तो मंथन चल रहा है, समाजवादी पार्टी मंथन कर रही है नो डाउट, लेकिन अगर ये सोचे कि मैनपुरी खतौली से जीत करके हम आए हैं, ये गलत फहमी निकाल करके निचले स्तर से मेहनत करें, अच्छा। जमीनी स्तर पे, लेकिन एक सच्चाई फिर हम बता देते हैं कि जो मेहनत आम आदमी पार्टी कर रही है उसका भी नजरिया उत्तर प्रदेश में दिखेगा। अगर ये अच्छा। पंचायत चुनाव में आते हैं, निकाय चुनाव में आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब पर भारी पड़ेंगे। अच्छा। सब पर का तात्पर्य भाजपा को किनारे करके हम बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, चाहे फिर समाजवादी पार्टी हो, सुनिएगा, समाज नहीं, भाजपा के खिलाफ नहीं, बराबर तो नहीं आ जाएंगे आप धीरे धीरे आ रहेंगे। आप गुजरात में 8% मिला आपको, भाजपा से बाकी तो नहीं मिल जाएगा ना भाई, उनकी सरकार है वहाँ पे, वो मजबूत है, वो काम कर रहे हैं जी। आप अभी आपको काम करके दिखाना है जी, आपसे जनता का अपेक्षा है। 5 सीटें मिली, 13% मिला है, और क्या कम है? तो बिल्कुल मिला है और मिलेगा, मेहनत कर रहे हैं जमीनी स्तर पे, कांग्रेस भी मेहनत कर रही है नो डाउट, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि आपको धरातल पे मेहनत करना होगा। जो आज उत्तर प्रदेश में नदारद है, चाहे रोजगार की बात हो जी, वो नदारत है जी, आप दे रहे हैं रोजगार बहुत दे रहे हैं जी, दिखाई नहीं पड़ रहा है जी, उसके लिए आप धरातल पे कब उतरेंगे जी, कब आप धरना प्रदर्शन करेंगे? नहीं, ये समाजवादी पार्टी का हक बनता है कि वो आवे नीचे, वो मुख्य विपक्ष की भूमिका में वो आए, आएंगे कांग्रेस को आना चाहिए कि केवल वो यात्रा करने से कोई मतलब नहीं है, उस यात्रा का कह रहे राजनीतिक यात्रा नहीं है, और सब राजनीतिक यात्रा ही है वो जी, सब राजनीति है। आप बोलिएगा सर, आप बोलिएगा, हम किसी के वो नहीं है, लेकिन आप धरातल पे मेहनत करिए, हम सबकी भी इच्छा है जी, कि एक एक छत्र राज नहीं चलना चाहिए जी, बिल्कुल कुछ अच्छा करेंगे आप जी। आप कुछ अच्छा है, कांग्रेस आएगी, वो कुछ अच्छा करी, बहुत किया, आज हमारे आपके बीच में कंप्यूटर के देन है, कहीं ना कहीं गांधी परिवार को जाता है। अच्छा बिल्कुल सही, आज बहुत कहते हैं बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काम हुआ है। विद्युत योजना की बात करिए, कांग्रेस की देन है जी, ये सच्चाई है। लेकिन अगर हम शौचालय की बात करें, घर घर शौचालय की बात करें, रसोई की बात करें, सड़कों की बात करें, तो ये बीजेपी की देन है, इसमें दो राय नहीं है जी, मेहनत करना पड़ेगा, सबको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक ठीक पवन जी, बेबे भाई जी, यहाँ पर आप मुस्कुरा रहे थे तकी भाई की बात पे, बरतस भाई की बात पे कुछ कहना चाह रहे थे जी। तकी जी की पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, जो दल तिरंगा लेके चला था, अच्छा, वो तिहाड़ में मसाज पार्लर तक पहुँच गया। अच्छा, और उस पर भी बहुत बेशर्मी से तकी साहब कहते हैं कि हमारे नेता को फंसाया गया। हाँ। अदालत
5 बार उनकी जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है और अदालतें ऐसा फैसला तभी करती जब उन्हें कोई पर्याप्त साक्ष्य रहता है और उनको लगता है कि हाँ अगर जमानत दिया गया तो व्यक्ति उस जमानत का दुरुपयोग कर सकता है। अदालतें कोई भारतीय जनता पार्टी के गाइडलाइन से नहीं चलती। दूसरी बात, बार बार भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां भी नहीं है, एजेंसियां भारत के संविधान से चलती है। बस हमारे शासनकाल में अंतर इतना होता है कि हमारा हस्तक्षेप इन एजेंसियों के क्रियाकलापों में नहीं होता, इन एजेंसियों को विधिवत काम करने का मौका दिया जाता है, वो ईमानदारी से अपना काम करती है। इसी तरह से सत्येंद्र जैन गए, इसी तरह से इरफान सोलंकी गए, अतीक अहमद बंद हैं, मुख्तार अंसारी जिसको कांग्रेस की सरकार पंजाब में शरण दिए हुई थी। अच्छा। बड़ी मुश्किल से जो आया जाए, बिल्कुल सालों मैटर चला है। अच्छा। बड़ी मुश्किल से वो यूपी उनकी वापसी हो पाई, देखिए अदालत से मुकदमे में उनको सजा हो गई। अच्छा। तो ये सारे अपराधियों को ये लोग बचाने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चुन चुन के ऐसे अपराधियों को न्याय के मंत्री बना दिया है, मंत्री बना दिया है, समाधानी पदों बैठा दिया है अपराधियों को बीजेपी ने। आपका समय आएगा, बोल लीजिए, बोल लीजिए। मुकदमे को खुद से हटाने का काम करते रहे, वो सारे अंसारी के मामले में ना बताया, हमने मुख्तार अंसारी को जेल में रखा था, कोई बहुत बहुत वीआईपी बहुत वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत रखा था। इस प्रकार से तिहाड़ जो है भारतीय जनता पार्टी और भाजपा सरकार के अंडर में आता है, वहाँ तिहाड़ भाजपा का मिली जुली साठगांठ दिखती है, क्योंकि भाजपा के नेता, क्योंकि भाजपा की बी टीम, हम ऐसे ही नहीं कहते आम आदमी पार्टी, ये दोनों गौरव के और आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाने वाले कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाने वाले कांग्रेस और बता रहे हमारे ऊपर, जिन मुकदमों की बात करें सारे मुकदमे राजनीतिक विद्वेष के साथ लगाए गए, कोई हटाए गए अपहरण के मुद्दे और छिनैती के मुद्दे, कोई कोई ना उसमें कोई अपहरण का मुकदमे, ये कोई ऐसे मुकदमे नहीं, कौन सा मुकदमा इसमें अपहरण का जरा बता दीजिए, कौन सा मुकदमा हत्या का केशव जी को मुझे बता दीजिए, एक भी मुकदमा ना तो केशव जी के ऊपर हत्या का है ना अपहरण का है। नहीं जवाब नहीं जानते तुम, तथ्य चर्चा ना करिए, केशव जी के ऊपर कोई भी मुकदमा हत्या का नहीं है ना अपहरण का है, पूरा राजनीतिक जीवन उनका मेरी आंखों के सामने है। भूमि अधिग्रहण के कई सारे मामले थे, उन सभी मामले को दरकिनार करते हुए मुकदमे को हटाया गया है। भूमि अधिग्रहण के, हाँ भूमि अधिग्रहण के मामले थे, भूमि अधिग्रहण से क्या विषय, केशव जी को जिस प्रकार से जमीन को कब्जा किया गया था, गलत तरीके से नहीं ऐसा था मुकदमा, मैं आपको बता रहा हूँ, सामने का एक मुकदमा था और एक गोरखपुर का मुकदमा था। देखिए आप, आप 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 इस तरह के, देखिए आप इस तरह के मिथक रचते रहिए, मैंने केशव प्रसाद मैंने बताया भाजपा के मिथक आपको मुबारक, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और हम जनता के दरवाजे पे हमेशा खड़े रहते हैं, उनके सुख दुख में शामिल रहते हैं और जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। के दरवाजे पे रहते हैं ना, वो हम सभी लोग को दिखता है। आज के समय में किसी को मुख्यमंत्री के दरवाजे तक जाना हो, मैं समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं अखिलेश का भी टाइम, अखिलेश यादव जी का भी टाइम देखा था कि उनके टाइम में अगर मुख्यमंत्री से मिलना हो कम से कम मुख्यमंत्री के गेट तक हम लोग पहुंच तो सकते थे। अच्छा। विरोध करना हो तो वहाँ पैम्पलेट लेकर के दिखा तो सकते थे, यहाँ तो जाने पे सीधे अस्पा लगा दिया जाता है, देशद्रोही बना दिया जाता है। इतना डर मुख्यमंत्री जी को अपने प्रदेश की जनता से क्यों है, इसका जवाब आप दीजिए। इन्वेस्टर समिट जो 5 साल से कर रहे हैं ना, उसमें से कितना इन्वेस्टर आपके पास भारत में, आपके यूपी में आकर के इन्वेस्टमेंट किए, जो आपकी आईटी सिटी बन रही थी लखनऊ में स्टेडियम के पीछे, वो आईटी सिटी क्यों रुकी हुई है, इसका जवाब दीजिए जी। गौरव जी जी, सिर्फ नफरत फैलाओ, लोगों को अभी एक जाति विशेष की बात कर करके सबको बड़गलाओ। अच्छा ये बताइए, यही सिर्फ बच गया है, इरफान सोलंकी को बांग्लादेशियों के पासपोर्ट बनवाने की क्या आवश्यकता थी, क्या उसमें कोई अन्य वर्ग का है, अगर उस वर्ग विशेष की ओर हम इशारा करते तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है, बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसपे आप चर्चा करना चाहते हैं, देश को संप्रदायवाद के चपेट में डालना और उसका फायदा उठाना, वो अपराधियों की मदद करे, वो देशद्रोहियों की मदद करे, वो वर्ग विशेष के लोगों को संरक्षण दे, उस पे कार्रवाई अगर एजेंसियां कर रही है तो आप कह रहे साहब उन्हें फंसाया जा रहा है, घर पे क्यों नहीं चलवा रहे बुलडोजर, बिल्कुल चलेगा अगर वो फरार, उसके घर बुलडोजर चल पाया, बिल्कुल चलेगा, कोई आम आदमी होता ना तो आप खुद बुलडोजर चलवा रहे होते, और जो भी इस अपराध में फंसेगा, बुलडोजर तो इनके यहाँ भाई बहुत सारे चले, बड़े बड़े ताकतवर, इरफान सोलंकी के बुलडोजर अभी तक नहीं चल पाया, भाजपा
अहमद क्या चला है, मुख्तार अंसारी क्या चला है, इरफान जी की जांच अभी चल रही है। देखिए फरार हो तो चल जाता बुलडोजर, अरे जांच का बिंदु है, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसमें आगे आकर के इस पे जो अपना पक्ष है वो रखना चाहिए। अगर वो उनके वो अपना खुद जांच करते हैं, अगर गलत है तो उनको किनारे कर दे। एक पार्टी का कर्तव्य बनता है कि अगर उनके पार्टी में कोई विधायक ऐसा कर्तव्य किया है तो उसको किनारे कर दे। बिल्कुल, राजनीति फायदे के लिए नहीं। तकी भाई देश से बढ़कर तकी भाई आपको सब गौरव जी है क्या? गौरव जी एक मिनट में इनकी बात का जवाब दे दो। इनकी पीड़ा इतनी इसलिए है, इसी तरह के कार्यों में कांग्रेस भी लिप्त रही। अच्छा, जब दाऊद इब्राहिम की मां को पासपोर्ट बनवाना था, तो उसकी सिफारिश की चिट्ठी सलमान खुर्शीद ने लिखी थी। सलमान खुर्शीद ने ही दाऊद इब्राहिम की मां को चिट्ठी लिखी थी। बताइए जरा, आज के समय में आपकी पार्टी के समर्थन से ब्रजेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, देखिए दाऊद इब्राहिम की मां को भारत से भागने में मदद सलमान खुर्शीद ने की थी। उनका पासपोर्ट सलमान खुर्शीद की सिफारिशी चिट्ठी से बना था। दिखाइए कोई आपके पास दस्तावेज है, जवाब तक नहीं पढ़ के आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका पासपोर्ट सलमान खुर्शीद की सिफारिशी पत्र पे ही बना था। जब आप जानकारी को अपडेट होकर आया करिए, तो ब्रजेश सिंह को जान जाइए कि वह वही थे जिन्होंने छुपाया था। अब आप चुन चुन के नाम बताते रहिए, लेकिन जो 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 काम जो पाप आप करके बैठे हैं उसी बात का आपको दर्द है। हाफिज सईद को तो हवाई जहाज छोड़ने गए थे पाकिस्तान में अंदर, और जो बिरयानी खाने चले गए थे बिना टाइम टू टाइम, उसका क्या कहेंगे भाई? जवाब दीजिए तकी भाई की बात का। देख क्या कह रहे हैं, हाफिज सईद उसने जोड़ा था जिंदारे के साथ, हवाई जहाज उठा के ले गए थे छोड़ने के लिए उनको। देखिए हाफिज, उसके बाद वही ही इज द मेन पर्सन इन्वॉल्वड इन मेनी ब्लास्ट इन यू इन भारत। हाफिज सईद को छोड़ने गए थे बता? नहीं, हाफिज सईद को कहां छोड़ने गए थे? बिरयानी खाने। नहीं बिरयानी किस एक विषय बताइए, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। आप बताइए, ब्रजेश सिंह की जो पत्नी है वो किस पार्टी से एमएलसी रही है? पहली बार ब्रजेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। ब्रजेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, उनकी पत्नी भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है। ये आपका विषय नहीं, हमने बिल्कुल हमने जिला पंचायत उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारा, अभी हमने उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारा है एमएलसी में। आपको नहीं मालूम तो तत्कालीन अपडेट होके आइए। योगी जी की सरकार है जिसके आगे बुलडोजर चलता है, लोग डरते हैं, लोग घबराते हैं, और उसके बाद ब्रजेश सिंह जैसा माफिया जीत जा रहा है। हमने ब्रजेश सिंह की पत्नी के खिलाफ प्रत्याशी उतारा, इन्हें तत्कालीन जानकारी नहीं, अपडेट होके आए। ये तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, ये तो मैनपुरी में प्रत्याशी नहीं उतारते। हमने प्रत्याशी उतारा, मंत्री जी कहते हैं प्रत्याशी हार जाता है, आपका खबर दिया हो। ये हमारी ईमानदारी का सबूत है। भाई क्या पूछे जा रहे थे? तो मैं कह रहा था भारतीय जनता पार्टी ने ये एक्चुअली इन्हें है क्या? हाँ। जिस तरह से हिंदुस्तान में बूथ कैप्चरिंग की जो शुरुआत हुई थी गौरव जी, बिहार में इंदिरा गांधी के समय बीएसएफ के ट्रकों में बूथ कैप्चर भेजे गए थे। इन्हें अपने जमाने याद आते हैं कि सरकार रहते भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का तांडव क्यों नहीं किया, नंगा नाच क्यों करके जीत नहीं लिया। हम अगर ईमानदारी से काम करते तब भी इनके पेट में दर्द है। इनका हाल ये है, चित भी मेरी, पट भी मेरी, ऊंट मेरे बाप का। अगर हम सही चले तो भी दर्द, गलत करे तो भी दर्द। अगर हम सही से शासन कर रहे हैं तो इनको ये दर्द है कि ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे जैसे हमने किया था। ये अपने पाप को हमारे सर लाना चाहते हैं। एंडरसन को भगाने वाले, ये कातोची को भगाने वाले, ये दाऊद इब्राहिम की मां को देश से भगाने वाले, ये दाऊद इब्राहिम सबको पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। सब आ रहे हैं, पवन जी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, क्या प्रोसीडिंग से पूछ लीजिएगा। सब पकड़ पकड़ के आ रहे हैं। आपने जनता इसको सुने तो आप और चिल्लाइए। ये सारे विषय जनता के दरबार में, जनता के सामने हैं। जनता उसका दंड आपको दे रही है और हमें उसका प्रसाद देती है। हमारी ईमानदारी का आपको लाभ देती है, आपकी बेईमानी का आपको दंड मिलता है। ठीक है, तकी भाई कुछ कह रहे थे आप, तकी भाई जल्दी बोलिए। देखिए मैं कह रहा हूँ, ये प्रकृति का नियम है, जो लोग अपने लोगों का अपमान करते हैं, उनको प्रत्याहित करते हैं, उनके ऊपर जुल्म करते हैं। हाँ। वो उनका भी सम्मान कहीं होता नहीं। हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर बेवजह के ऊपर कोर्ट ने भी फटकारा है, बुलडोजर चलाया गया बिना सबूत दिए हुए, बिना कोर्ट की कार्रवाई किए हुए। ये न्यायपालिका के बीच में और कार्यपालिका के बीच में टकराव किसने पैदा की लगातार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर, और बुलडोजर करते रहे। लेकिन यही चाइना
हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बुलडोजर चलाता रहा, वहां भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर लेके नहीं गई, उसका जवाब नहीं दे पाई और लगातार वो इंटरप्रिटेशन कर रहा है हमारे जवान वहाँ शहीद हो गए, 20 के आसपास हो रहा है, वहाँ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और अपने लोगों को अपने देश के अंदर डिबेट हमारी उत्तर प्रदेश को चाइना पहुंच गई है, ठीक है, उनको डिबेट मेरी वहां जाके लड़े, डिबेट डिबेट मेरी प्रदेश से उठकर यहां पर चाइना पहुंच गई है। जी भाजपा का चाइना प्रेम तो आपको दिखता ही होगा ना कि शुरू से लेकर, आप इस तरह का झूठ बोल रहे हैं, पवन जी यहाँ बैठे हुए हैं, जब T-15 टैंकर लगा रहा है जी, अरे तो क्या फूल बरसा रहे हैं, फाइब्रेशन कर रहा है बेबे भाई जी, क्या दिक्कत है, ऑप्टिक फाइबर लगा रहा है, मामला चाइना पहुंच गया जी। देखिए है क्या कि जब एक विषय पे ये पिटने लगते हैं तो दूसरे विषय भाग जाते हैं। अच्छा अभी चाइना चले गए, अब चाइना पे जब जवाब, अरे चाइना में देश का मुद्दा है, जब देश के बॉर्डर पर है पाकिस्तान आ जाएंगे। अच्छा अभी हमारे कांग्रेसी मित्र कहेंगे घर चुनाव में पाकिस्तान हिंदू मुसलमान की बात शुरू कर देते हैं। अच्छा और जब ये करे तो ये ठीक, जब ये करे तो अच्छी बात है, हाथ पैर जला रहे हैं भारत तोड़ो यात्रा में, ये अच्छा काम कर रहे हैं। पहले तो अपने भारत तोड़ो यात्रा है, भारत तोड़ो कांग्रेस ढूंढने की यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी ने वाह वाह वाह, देश कब टूटा जब देश में कांग्रेस का शासन था, देश का विभाजन कब हुआ जब देश में कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस की नफरत के ही विभाजन हुआ जी। आओ नफरत हमसे लो ना, नफरत अपनी दो और यहाँ से आकर के हमसे मोहब्बत लो ना, नफरत बांट रहे हैं, नफरत दे रहे, नफरत बांटते हो रहे हैं, आप लोग को इस बात को लेकर बड़ी चिंता हो रही है, हमें कोई चिंता नहीं, हम तो बैंड बाजा बारात का तमाशा देख रहे हैं, जो 80 कैंटनों में राहुल गांधी की बारात घूम रही है, बारात को हम देख रहे हैं, बैंड बाजा बारात, आप भी चल के बाराती बन के डांस करिए ना भारत जोड़ो यात्रा में, कांग्रेसी है तो आप डांस करिए ना, आप जैसे कांग्रेसी अच्छा नहीं लगेगा राहुल जी की बात चल रही है तो ताली बजा रही है, हमारी बारात में डांस करिए, हमारी क्या जरूरत है, जो आइए डांस करिए हमारे साथ, आप जैसे लोग पर्याप्त हैं, अरे हम जैसे लोग तो है ही इस देश को जोड़ने के लिए, लोग पर्याप्त हैं, आप नफरत करने वाले लोग क्या जानेंगे भारत जोड़ो, फालतू बहस नहीं होना चाहिए, एक निवेदन है, फालतू बहस नहीं होना चाहिए भैया, की बारात नहीं करनी, एक चैनल का मजबूत समय होता है, प्राइम समय है, वो समय न बर्बाद हो, जनता का समय न बर्बाद हो, बिल्कुल, बिल्कुल। जिस सब्जेक्ट पे है उसी पे रविन भाई कुछ बोलना चाहते हैं, रविन भाई बोलिए, मैं एक बात गौरव जी बस कहूंगा, उसका फिर आप बात लीजिएगा कि जिस प्रकार से भाजपा का एक स्टॉल लगा था इस हमारे देश में, एक बाजार हमारे देश को बाजार बनाकर एक स्टॉल था जिसमें लव जिहाद था, हेट मुस्लिम और हर तरीके जोड़ो तोड़ो नीति चल रही थी, उसको खत्म करने के लिए हमारे नेता ने इस नफरत के बाजार में एक प्यार का जो दीप जलाया, मोहब्बत का स्टॉल लगाया, आइए हमारे से मोहब्बत सीखिए और देश को जोड़िए, ठीक है ठीक है, रविंद्र भाई बोलिए बोलिए बोलिए, मैं ये कह रहा हूँ, रविंद्र भाई की आवाज बढ़ाई जाए, एक आदेश है जी कि जो 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 आपराधिक मामले जी इन्वेस्टिगेशन में हो या अदालत में हो उसका मीडिया ट्रायल या जन समुदाय इकट्ठा करके नहीं किया जा सकता है, तो अगर उसका सम्मान करना है तो मुझे लगता है कि जांच एजेंसी को काम करने दीजिए, सामने आएगा। अब जो जांच एजेंसियों ने काम किया है उसका मैं बता रहा हूं, आपकी जांच एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश से दो गृह राज्य मंत्री रहे केंद्रीय सरकार के, अच्छा दोनों के ऊपर IPC की धाराओं में मुकदमा दर्ज है, एक गृह राज्य मंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश की सरकार उसको खोज नहीं पा रही है, चिन्मय आनंद, ठीक। अब आइए जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है, इनके विधायक अतुल सिंह सजा याफ्ता हो चुके हैं, अच्छा। इसी 6 साल में जी। इनके विधायक कुलदीप सेंगर बलात्कार के मामले में सजा याफ्ता हो चुके हैं इसी सरकार में, अच्छा। गोसाईगंज से इनके विधायक खब्बू तिवारी सजा याफ्ता हो चुके हैं, हमीरपुर से इनके भी विधायक अशोक चंदेल जी सजा याफ्ता हो चुके हैं, संगीत सोम जी के ऊपर अर्थदंड लग चुका है, गोरखपुर से सांसद कमलेश पासवान के ऊपर 1.5 साल की सजा हो चुकी है, सुन लीजिए पहले जो बता जो जो इरफान सोलंकी में जो ऑर्डर आएगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हम उस पर कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, और सुन लीजिए ये जो 255 लोग जीत के आए हैं
इसमें से 111 लोग आपराधिक छवि के हैं और हमारे ऊपर तमाम आरोप लगा रहे थे। और एक एक आपके चैनल के माध्यम से और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि भारत एक संवैधानिक सेकुलर देश है, यहाँ से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, इसलिए कि कोई मुसलमान है या इसलिए कोई ईसाई है या इसलिए कोई हिंदू है वो चुनाव नहीं लड़ेगा। और अगर लड़ेगा, जाति विशेष का होगा, समुदाय विशेष का होगा, तो हम टिप्पणी करेंगे, तो यह संविधान का अपमान है। अच्छा, पार्टी को सिखाना चाहिए, ये कहां माना कर रहा है प्रवक्ताओं को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये कहां माना कर रहा है चुनाव लड़ने का? नहीं, बहुत अच्छा। मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ जी, ये कह रहे हैं कि जो चुनाव जो जाति विशेष के लोग हैं इनके हम जांच का पत्र लिखेंगे। हाँ, तो पत्र लिखना चाहिए, जो जो इन लोगों ने पत्र लिखा है उसका न्यायालय ने निर्णय करके दे दिया है। आप आ जाइए, इनका चरित्र सुन लीजिए पहले। एनसीआरबी हमारी संस्था नहीं है। अच्छा, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। अच्छा, कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर एक है, अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर एक है, दुष्कर्म के मामले में नंबर तीन है, बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में नंबर तीन है, दंगों के मामले में नंबर तीन है। ठीक। और एक दूसरी संस्था है एनएचआरसी, जो इन्हीं की संस्था है, वो बताती है पूरे भारतवर्ष में न्यायिक हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें जो हुई है उत्तर प्रदेश में हुई है, अभी कल मौत हुई है। ठीक है, ठीक। ये जो आंकड़े हैं इनके अपने आंकड़े हैं, जो इनका आपराधिक चरित्र है, इनके इनकी ही संस्थाओं ने बताया। भाई जवाब पवन जी को लेता हूं। रही इरफान जी, बोलिए। रही इरफान सोलंकी, भाई जवाब लीजिए, भाई जवाब देंगे। उनके ऊपर कानून के दायरे में उनको उनके ऊपर अपराध सिद्ध हो जाएगा। बार-बार हर हम उस पे कठोर निर्णय लेंगे। और इससे पहले रविंद्र भाई जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। चुके हैं अपने तीन चार चाहे वो अपना हो, रविंद्र भाई जवाब लीजिए जी। चाहे बड़ा से बड़ा आदमी हो, जो भी गलत करेगा वो कानून की सीखों तक जाएगा, अदालत उसका फैसला करेगी। अच्छा, सारे अदालती फैसलों की बात कर रहे हैं। इनका एक विधायक जेल पहुंच गया बांग्लादेशियों को नागरिकता दिलाने के मामले में, तो उसका इन्हें पेट में दर्द है। अच्छा, और जो मैंने पत्र लिखने की बात की उसका इन्हें और ज्यादा दर्द है। इससे तमाम इनके ऐसे विधायक बेनकाब हो जाएंगे। अच्छा, अभी संवैधानिक सेकुलर देश बता रहे हैं। सारी चीजों के बावजूद रविंदर जी ये कहा कि आप बांग्लादेशियों की बस्ती बसा करके उनसे वोट बनाइए, ये किस संविधान में लिखा है? बांग्लादेशियों का आधार बनवाने का बात किस बात देश में नागरिकता के मामले में तो आप ही सबसे आगे रहे। पेट दर्द हो रहा है कि आपकी पार्टी ने संविधान नहीं सिखाया है। बांग्लादेशी अफगानिस्तानी पाकिस्तानी सब अभी लोगों ने बताया भारत के अंदर बताने वाले बढ़ने हैं। दर्द बहुत गहरे हैं। अच्छा, ये रिश्ते बहुत मजबूत हैं। बताने में सबसे आगे भारतीय पार्टी रही है। आप इसके लिए मत करिएगा गौरव जी, गौरव जी जिसके लिए करना आप करिए। अगर आपकी पार्टी आपको संविधान नहीं सिखा सकती है, बहुत बढ़िया बात रविंदर जी ने सपा के प्रवक्ता जी ने बहुत बढ़िया बात रखी है। मन मेरा प्रफुल्लित हो गया। अच्छा, कसम से हम सलूट करते हैं आपको जी। बहुत बढ़िया बात रखा सपा के प्रवक्ता जी ने, और मुझे गर्व है उत्तर प्रदेश के इस सरकार से जी। उससे सीखे आप कि उन्होंने अपनों को भी, अगर इनके अपने भी विधायक गड़बड़ थे, इनके ऊपर भी कार्रवाई करें। या आपने दर्जनों नाम गिनाया है विधायकों का, ध्यान दीजिएगा। और सपा यहाँ राज की है, समाजवादी पार्टी, एक नाम बता दीजिए कि अखिलेश यादव अपने उन विधायक और मंत्री पे कार्रवाई किए हो, एक नाम गिना दीजिए। प्रजापति मंत्री आवाज बलात्कार करते थे आपके सपा बात की है, कम से कम सच्चाई बात की। देखिए योगी आदित्यनाथ में क्वालिटी है, इसको एक्सेप्ट करना होगा, जो सच्चाई है। देखिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमारा किसी से मतलब नहीं है, लेकिन आपने गिनाया कि दर्जनों के ऊपर भाजपा के मंत्रियों विधायक के ऊपर कार्रवाई हुआ है, चाहे शंकर जी हो चाहे कोई हो, लेकिन अखिलेश यादव जी ने कितने भी कार्रवाई किया। अखिलेश जी ने क्या प्रजा किसी को कार्रवाई किया अपनी सरकार में? अपनी सरकार में किसी कार्रवाई किया बताइए आप? आवाज बलात्कार करते थे बता दिए जी, किसी के ऊपर कार्रवाई की? अखिलेश जी ये न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं ये पत्रकार महोदय जी? आप नाम बताइए, आपने 12 नाम सुने, आपने 12 नाम भाजपा की बताई है। मैं नाम बता रहा हूँ, अतुल सिंह। अच्छा, अतुल सिंह पूर्व विधायक। हाँ, अतुल सिंह पूर्व विधायक रामकोला, 5 साल के लिए पूर्व विधायक नहीं, मौजूदा विधायक रहा, उसका नाम बताइए। अतुल सिंह को मैं जानता हूँ, आप जो मौजूदा सरकार के मंत्री रहे हो, उस सरकार के विधायक रहे हो, उसका नाम बताइए। हम 10 नाम गिरा देंगे, 10 नाम गिराएंगे।
देंगे हम आपको। न्यायालय ने किया है, अच्छा उत्तर प्रदेश न्यायालय आ गए, न्यायालय आ गए, सरकार कर रही है, न्यायालय आ गए जी, अभी तक सरकार कर रही है, जिम्मेदारी को नहीं पकड़ के डाल रही है, तब फरार कहाँ होगा, आप क्या बात कर रहे हैं जी। अरे मैं तो कहता हूँ भाई, अरे कुलदीप सिंह सेंगर पे भी बहुत कार्रवाई की थी बीजेपी ने, वो भी उनका नाम भी दे लिए, अच्छा भारत में दो बार सेंगर पे कार्रवाई की बीजेपी ने देखा गया, अब न्यायालय कहने के बाद की बात है, जब न्यायालय ने डाटा फटकारा तब कार्रवाई करनी पड़ी। यार बरजस भाई, बरजस भाई मुझे समझ में नहीं आता, आप कभी इसको तकी भाई को बी टीम बोलते हैं, आप कह रहे हैं कि चिनमयन इनका मसाज हुई और सत्येंद्र की मसाज हुई, आप क्या चाहते क्या है? बी टीम उसी लिए है ना कि जैसा भाजपा करती है वैसा ही देख देख कर आम आदमी पार्टी करती जा रही है, जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा भाजपा प्रदेश में फैला रही है वैसे ही पंजाब में आप देखिए खालिस्तानियों को बढ़ाने का काम आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है, तो इसमें इन दोनों का साठ गांठ आपस में मिला हुआ है, विदेश में किसी के साथ पकड़े गए थे उसकी भी चर्चा तमाम मीडिया सेंटरों पर, भाई आपने आप तो कैमरा लेके गए थे राहुल गांधी को पकड़ने ना, क्यों नहीं दिखाइए फिर भाई, ऐसे वीडियो भाई सम्मान बना रखिए दूसरे का, सम्मान बना रखिए, कहां पे रुके पहले आप, कहां पे आपने देखा राहुल गांधी कोई फोटो वीडियो, कहां दिखाइए, दिखाइए आप मुझे, आप दिखाइए मुझे किस किसके साथ थे राहुल गांधी, वीडियो वायरल था किसके साथ थे राहुल गांधी जरा बताइए तो, किसके साथ थे राहुल गांधी बताइए ना, कौन था, मिर्ची क्यों नहीं लगेगी, बिल्कुल आपको शर्म आनी चाहिए क्या, अपने आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, कितनी गिरी हुई बातें आप कर रहे हैं, तमाम भाई आपको बीटी बोला जा रहा है बार बार, क्या दिक्कत है भाई, राहुल गांधी किसके साथ बताइए, बीटी में ना बीजेपी की मीडिया में आमानी पड़ी बी से बाप होता है, आमानी पड़ी जबकि बाप है, दिखा देगा अच्छा, बाप है अभी अच्छा। तो जाइए 10 साल हुए, 10 साल से तेजी से बढ़ी आमानी पड़ी, अच्छा आम आदमी पार्टी बी से बाप होता है, आम आदमी पार्टी सबकी बाप बदल के दिखाई गया, देखने जाइए आप, समय थोड़ा सा 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई, 2 राज्यों में जीत के हम, हमारे 5 विधायक जीते गुजरात में, 2 विधायक गोवा में, कई नगर निगम में हम लोग जीते, चेयरमैन हमारे आम आदमी पार्टी पार्टी, ये देखिए खिसियानी बिल्ली खंभा कसोट, जब बीजेपी खिसिया जाती है तो आम आदमी पार्टी को ऐसे बोलने लगती है, जब कांग्रेस खिसिया जाती है तो ऐसे बोलने लगती है, अच्छा बी से जो है बी से बाप भी होता है, बी से बाप होता है, और आम आदमी पार्टी दिखाई गया टाइम में क्या है, बी से बेबी भी, आप जनता की बात करते हैं, जनता से कनेक्ट करते हैं, जनता जुड़ते हैं, और जो लोग जनता की बात नहीं उठाएंगे, जनता की बात से किनारे हो जाएंगे, जिसे कांग्रेस का हाल हुआ है वही बीजेपी का हाल होगा, वर्षस पांडे बोले बी से बेबी भी होता है, ठीक है ठीक है, अब बेबी है बाप है या बेबी है, दिमाग है उनके दिमाग में बेबी हो बेबी है जी, मेरे दिमाग में बाप था मेरे बाप का, अच्छा अच्छा बेबी मतलब उनका माइंड कर रहा बेबी है, बेबी माइंड बेबी आया उसे, ठीक है ठीक है, हो गया होगा। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा थी कि अखिलेश यादव मंथन करेंगे और मंथन के बाद जिले जिलों का दौरा करेंगे, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो चुका है कि शिवपाल सिंह यादव ने भी यहाँ पर भीष्म प्रतिज्ञा ले ली है कि आगामी स्थिति को देखते हुए वो अब सपा में भी रहेंगी, चाहे उनको पद मिले चाहे पद ना मिले। खैर चर्चाएं चलती रहेंगी, बेरोजगारी पर, नौकरी पर, मुद्दों पर, सड़कों पर, पानी पर और कानून व्यवस्थाओं पर चर्चाएं केवल और केवल डिबेट पर चलती है, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। जब यहाँ पर मैं किसी भी पार्टी से पूछता हूँ कि संघर्ष धरातल पर कब होगा, तो पार्टी मुद्दे को भटका देती है। अगर चाहते हैं कि जनाधार बढ़े, अगर चाहते हैं कि बदलाव हो, अगर चाहते हैं कि सत्ता की कुर्सी आपको मिले, तो पहले संघर्ष तो करिए। केवल डिबेट से बोलने से, केवल ट्वीट की राजनीति करने से, केवल बयान देने से अब काम नहीं चलने वाला है। अब अगर वास्तव में चाहते हैं कि सत्ता की कुर्सी पहुंचना है, जनता का भला करना है, तो सत्ता के लिए संघर्ष करना होगा, वरना स्थिति जो चल रही है वही चलती रहेगी, और केवल केवल सत्ता पक्ष को कोसना, इससे काम नहीं चलने वाला है। संघर्ष करिए, मेहनत करिए, तभी परिणाम बदलेगा, नहीं परंपरा चल रही है वो चलती रहेगी। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।